लोग आज के डेट में हर कोई काम करने से किस तरह कतराता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारे गांव की जो अभी खेती बाड़ी हो रखी है, तो देख सकते हैं आप चारों तरफ धान के खेत। और जो यहां पर अभी दिख रहे हैं ये उपराव बोलते हैं इनको, तो यहां पर ये अभी ये हो चुके हैं, और जो तराई वाले हैं वो अभी हुए नहीं हैं, तो वो भी कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लगे हुए हैं, देख खीरा ककड़ी वगैरह। तो इसी तरह लोग काम करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है लोगों को, तो गांव से किसी कारणवश लोग पलायन भी कर जाते हैं। और जब इस टाइम पर सभी लोग घर पर आते हैं तो उन्हें ये सब कुछ चाहिए होता है जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश नेगी और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखें और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप, इसमें ये हमारे इधर ये गेठी की फसल है, ये देख सकते हैं ये गेठी लगे हुए हैं। और यहीं पर खीरे का भी जाल है, और ये प्यारा सा एक खीरा भी लगा हुआ है। और इसके बाद ये है जो ये केले के पत्ते हैं, केला। और इसके बाद जो आता है ये अनार का पेड़ है। तो अनार के पेड़ के बाद ये आया आपका तोरियां, जिसे आप तोरी भी बोलते हैं, देख सकते हैं आप ऊपर तोरी भी लगे हुए हैं। तो ये धीरे धीरे अभी लगेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी सब्जी भी खा ली है। तो इसके बाद आप सबको दिखाऊंगा लौकी, ये लौकी की झाड़ है, देख सकते हैं आप लौकी की किस तरह यहाँ पर लौकी भी हुई है, बहुत ऊपर तक जाती हैं। और इसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ लौकी भी हो रखे हैं, तो ये बहुत अच्छी लौकी हो रखी है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लौकी हुई है एक यहाँ पर। और लौकी जो हमारे इधर होती है वो बहुत बड़ी होती है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लौकी हो रखी है। और ये जो देख सकते हैं आप ये करेला भी हो रखा है यहाँ पर, तो ये बहुत सारी होती हैं। अभी स्टार्टिंग इसमें से सब्ज़ी भी खाली होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा लौकी हो रहे हैं, लौकी की फसल देख सकते हैं आप। और इसके बाद आप सबको दिखाऊंगा ये नीचे लगी हुई है खेतों में गडरी और पिनालू बोलते हैं, और यहाँ वो हरी मिर्ची की भी खेती है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा खीरा हो गया, ये खीरा लौकी हो रखी है, ये देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा खीरा हो गया है। और देख सकते हैं ये खीरा यहाँ भी पीला हो चुका है। और एक लौकी ये देख सकते कितना बड़ा लौकी हो रखा है। और इसके बाद आएंगे दिखाएंगे आप सभी को ये बीन्स होती है, बीन्स की एक बहुत बड़ी बड़ी वाली प्रजाति है। तो इसमें काफ़ी बड़ा पेड़ लगे हुए हैं, देख सकते चारों तरफ। और यहाँ पर फूल की खेती है, और ये अमरूद का पेड़ है यहाँ पर। और नीचे जो फसल हो देख सकते हैं आप, वो मिर्च के पेड़ हैं, ये अंगूर, अंगूर देख सकते हैं आप, अंगूर की डाल है। अंगूर अभी ख़त्म हो चुके हैं, तो अंगूर अभी जो है उनका सीज़न चले चुके। और ये है अमरूद, ये अमरूद का पेड़ है। अमरूद के बाद आप देख सकते हैं वो नीचे गेठी, गेठी की फसल है, और वहाँ पर आम। और नीचे खेती में कुछ ना कुछ होते रहता है, और वहाँ देख सकते हैं वहाँ टमाटर भी हो रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं वो आगे तक सब जगह लौकी, खीरा और गेठी वगैरह ये सब कुछ होता है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक पूरी हमारी खेती बाड़ी है। और इसके बाद आप सबको मैं दिखाऊंगा कद्दू, जो कि कद्दू अभी स्टार्टिंग हो रही है। तो ये कद्दू की झाल है, कद्दू भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, देख सकते हैं आप कितनी बड़ी झाल है। तो ये अभी का यहाँ का सीज़न है, जो कि अभी ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको गाँव में। और आप देख सकते हैं यहाँ ये हल्दी की खेती हो रही है, ये हल्दी है, ये पूरी हल्दी है। और ये देख सकते हैं आप भुट्टे भी हो रखे हैं। भुट्टे के बाद आप सबको दिखाऊंगा मिर्च, ये देख सकते हैं आप ये मिर्च की खेती है यहाँ पर, ये पूरी मिर्च की खेती हो रही है आगे तक, वो आगे तक आपको देखने को मिलेगा मिर्च की खेती, पूरी मिर्च की खेती देखने को मिलेगी।
ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने ये सब कुछ देखा, ये हमारे गांव में इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी के सीज़न में आप देख सकते हैं इतना सब कुछ होता है, जो कि ये सीज़न ऐसा होता है इससे हमारा जो जो भी राशन पानी है वो पूरा साल भर के लिए हो ही जाता है। तो हम लोगों को मेहनत करनी होती है, मेहनत करने के बाद आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ इतनी हरियाली हो जाती है, हर चीज़ आपको घर में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, सॉरी वो बुरा मत माने। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे और कुछ ना कुछ आप लोगों को घर पर ज़रूर मिलेगा, आपको इतना सब कुछ बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, अगर आप लोग मेहनत करोगे तभी आप सबको ये सब कुछ मिलेगा देखने को। और अभी क्या होता है, जितने हमारे प्लेन्स में रहते हैं जितने लोग, वो लोग अभी घर आते हैं और उनको ये देख के उनका मन करता है इन सबको ले जाएं, तो वो लोग लेके भी जाते हैं। सॉरी यार, अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। तो यही, अगर आप लोग खेतीबाड़ी करोगे तो आप सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो दोस्तों, अभी काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी टाइम नहीं मिल पाता है। तो सोच रहा हूँ कि हमेशा अपने चैनल में अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा और किसी और वीडियो के साथ आप सबको मिलूँगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार और जय हिंद।